तो इस्लाम की शरीयत के कुछ कानून पर कुछ मुसलमान अमल नहीं करते, तो इसका ये कहां से मतलब निकला कि इस्लाम को बदल दिया जाए? इस्लाम को रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को रिफॉर्म की जरूरत है। इस्लाम ने, आप बताएं, सारी जिम्मेदारी खर्चे की मर्दों पर डाली है, औरत पर कोई जिम्मेदारी कि औरत पर अपने बच्चे को दूध पिलाने की भी कानूनी जिम्मेदारी नहीं। प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूं कि वो मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ, जो ऑथेंटिक स्कॉलर्स हैं, सरकारी उलेमा नहीं, सस्ते डिबेट्स में जाकर लिफाफा लेने वाले नहीं, चप्पल जूते की और थप्पड़ खाने और खिलाने वालों की नहीं, वो ऑथेंटिक संजीदा सीरियस इस्लामिक स्कॉलर्स को बुलाएं और उनसे समझें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और पर्सनल लॉ में क्या। यूसीसी को लेके पूरे हिंदुस्तान में एक बहस चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके, 2024 की इसको कहा जा रहा है तैयारी है, क्योंकि आने वाला पार्लियामेंट का जो चुनाव है 2024 में होना है। और बीजेपी के एजेंडे की बात कर ले तो 2014 में मैनिफेस्टो में तीन चीजें थी उनकी बीजेपी के, राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड है आर्टिकल 370। तो जो बीजेपी का एजेंडा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हिंदुस्तान में नाफिज किया जाएगा, जिसकी तैयारी जो है चुनाव से पहले शुरू हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इस मौजू पे बात करने के लिए मौलाना सज्जाद दुमानी साहब। मौलाना साहब, सबसे पहला सवाल ये, इसको किस तरीके से देखते हैं कि 2024 की चुनाव की तैयारी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए होगी? यकीनन हमारा तो यही एनालिसिस है कि उनके पास अब और कोई मुद्दा नहीं रहा। आपने तो खुद गिनाया कि उनके पास तीन चीजें थी, दो हो गई, अब ये तीसरी चीज है। उनके पास जाहिर है कि कोई पॉजिटिव परफॉर्मेंस रिपोर्ट देना, इस सरकार ने ये किया किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, अकलियतों के लिए, सरकारी मुलाजिमों के लिए, यूथ के लिए, एजुकेशन पे हमने इतना किया, हेल्थ केयर के में, इस वक्त कुछ है ही नहीं देने को। तो फिर वही हिंदू मुस्लिम डिवाइड पैदा करके और गुमराह करके तो वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ अब मुल्क में जो अवेयरनेस बढ़ गई है उसमें वो कामयाब नहीं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो मुखालफत है सबसे ज्यादा मुसलमान कर रहा है, वो खर्चे कर रहा है, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, यूआर कोड भी निकाला गया उसके लिए, हमने देखा अलग अलग जगहों पे यूआर कोड के जरिए अपना एहतजाज जो दर्ज कर रहा है। ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सबसे ज्यादा मुसलमानों को इफेक्ट करेगा। ये असल में मीडिया का प्रोजेक्शन है। मुसलमान तो अभी सड़कों पर नहीं उतर रहा, सिर्फ वो अपनी ओपिनियन दे रहा है जो लॉ कमीशन ने मान लिया। दूसरी कम्युनिटी तो इस वक्त ऑल आउट बिल्कुल सड़कों पर उतर गई। आदिवासियों का हाल ये है, आप दरअसल आदिवासियों के चैनल्स पर जाकर देखें, आदिवासियों ने झारखंड में कितना बड़ा हंगामा कर रखा है। हर डिस्ट्रिक्ट से वो हजारों मेमोरेंडम भिजवा चुके हैं राष्ट्रपति के नाम, सड़कों पर उतरे हुए हैं छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बड़े बड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी उनकी रैलियां हो रही। सिखों ने भी साफ साफ ऐलान कर दिया, सिखों की जो सबसे बड़ी मजहबी तंजीम है जिसको पूरी दुनिया के सिख मानते हैं, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसकी तरफ से साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। तो बात बिल्कुल गलत है कि सिर्फ मुसलमान सामने, मीडिया सिर्फ प्रोजेक्ट कर रहा है सिर्फ मुसलमानों को, इसलिए कि उसको सरकार के इशारे पर इसको हिंदू मुस्लिम इशू बनाना है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। चुनाचे सोशल मीडिया के जितने भी साइट्स हैं उनका ये फर्ज बनता है कि वो इसकी सही पिक्चर दिखाएं, वो बताएं कि दुनिया के मुल्क के कितनी बड़ी अकलियतें, कितने सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कितने मार्जिनाइज ग्रुप, कितनी माइनॉरिटीज, कौन कौन इसको अपोज कर रहे हैं। और आखिरी बात, अगर ये ना होता तो हमारे होम मिनिस्टर साहब कैसे ऐलान कर देते हम ट्राइबल्स को इससे एग्जम्प्ट कर देंगे, हम क्रिश्चियंस को इससे एग्जम्प्ट कर देंगे। ये इस बात की दलील है कि नेशनली और इंटरनेशनली वो बहुत प्रेशर में है, इसलिए उनको शांत करने के लिए उन्होंने पहले से ऐलान कर दिया ताकि हिंदू मुस्लिम बनाने का जो उनका एजेंडा है वो पूरा हो। आपने जैसे बात किया इंटरनेशनली, हमने देखा कुछ दिन पहले अजीत डोभाल के साथ सऊदी से एक नुमाइंदा आके जो मिला, और अगर मोदी जी की बात कर ले तो फ्रांस से आते आते दुबई होते हुए आएंगे। तो क्या लग रहा है मुस्लिम जो ममालिक है पूरी दुनिया में
उसको लेके भी कुछ ना कुछ अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है तो उनका भी प्रेशर कुछ ना कुछ हिंदुस्तान के ऊपर जरूर आएगा। मैं तो बात मुस्लिम ममालिक से आगे यूरोपियन जो कमीशन है उसने जो अभी बहुत सख्त तबसरा किया, मतलब हम एक हिंदुस्तानी की हैसियत से शर्मिंदगी महसूस करते हैं, हमें कोई खुशी नहीं होती, हर किसी को खुशी नहीं होती। यूरोपियन कमीशन सारे यूरोपियन ममालिक का वो एक मजमुआ है, और अब जिस दिन आप फ्रांस में कदम रख रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उसी दिन यूरोपियन कम्युनिटी की तरफ से वो सख्त तबसरा पास किया जा रहा है। अमेरिका में जब प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई थी तो उस वक्त किस कदर बदनामी और शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, और बार बार यूएनओ के जो इंसानी हकूक कमीशन हैं वो बार बार ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कि इंडिया में मेजोरिटीज के जिंदगी, जान माल और उनकी डिग्निटी और उनके राइट्स महफूज नहीं हैं। ये बदनामी इंटरनेशनली सतह पर बहुत हो रही है, तो हो सकता है कि उसको सामने रख कर क्रिश्चियंस को एग्जम करने की और आदिवासियों को एग्जम करने की, जिनमें की एक तादाद क्रिश्चियन हो चुकी है, शायद उन्होंने ये ऐलान किया। इस्लाम के अंदर, शरिया के अंदर जो लड़कियां होती हैं उनके हुकूम, मतलब जैसे बात करें चार आना जो एक चौथाई जो हिस्सा होता है वो इस्लाम में कहा गया है कि लड़कियों को देना चाहिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि बहुत सी जगह ये चीज़ नहीं की जाती है, तो बहुत सी लड़कियों को जो है वो भाई नहीं देता या कोर्ट का दरवाजा खटखटाना कर पड़ता है, तो किस तरीके से देखते हैं शरीयत? देखिए, शरीयत पर अमल जो लोग नहीं करते उनकी वजह से शरीयत को और कानून को बदल दे। आप बताएं कि इंडिया के पेनल कोड पर क्या सब लोग अमल करते हैं? हजारों लोग चोरी करते हैं कि नहीं करते? आज हमारी जेलों में जगह नहीं है। रेप करते हैं कि नहीं करते? रोजाना कई केसेस रेप के आते हैं। तो क्या इसका, जब लोग कानून नहीं मानते तो इसका इलाज ये है कि कानून बदल दिया जाए, या इसका इलाज ये है कि कानून पर अमल न करने वालों को ठीक किया जाए? तो इस्लाम की शरीयत के कुछ कानून पर कुछ मुसलमान अमल नहीं करते, तो इसका ये कहां से मतलब निकला कि इस्लाम को बदल दिया जाए, कानून को बदल दिया जाए? इस्लाम को रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को रिफॉर्म की जरूरत है, और हम मुसलमानों को रिफॉर्म करने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं। काश मीडिया और सरकार हमारी इसमें मदद करे तो हम बहुत जल्दी अपना टारगेट अचीव कर लें। औरतों के हुकूक को लेके 2019 में 3 तलाक का, फिर उसके बाद 4 शादी को लेके बात होती है, हम हर जगह देखते हैं कि 4 शादियों की बात होती है, फिर कहा जाता है कि जो औरतों के जो हुकूक है वो इस्लाम के अंदर नहीं मिलते। तमाम अगर पर्दे की बात कर ले तो लड़कियों को लेके बहुत ज्यादा एग्रेसिव लगती है सरकार, ये कहती है कि मुसलमान लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं सरकार जो है बहुत काम करती है। ये क्या एब्सोल्यूट झूठ फैलाने का कोई ठेका मिला हुआ है हमारी सरकार? लड़कियों का इस कुछ मुसलमान उस पर अमल नहीं करते, यह हम बिल्कुल मानते हैं, जैसे बहुत से भारत के नागरिक भारत के कानून पर अमल नहीं करते, लेकिन इस्लाम में क्या बुराई है? इस्लाम ने, आप बताएं, सारी जिम्मेदारी खर्चे की मर्दों पर डाली है, बेटे होने की हैसियत से बेटे पर जिम्मेदारी है, वो भी मर्द है, बाप होने की हैसियत से बाप पर जिम्मेदारी है पूरे घर का खर्चा चलाने की, और भाई होने की हैसियत से भाई पर जिम्मेदारी है, और शौहर होने की हैसियत से शौहर पर जिम्मेदारी है। तो सारी जिम्मेदारी और बर्डन जो है वो मर्द पर है, औरत पर कोई जिम्मेदारी नहीं, न बीवी पर, न बेटी पर, न बहन पर, न माँ पर। तो इसके बाद अगर जायदाद या विरासत में आधा हिस्सा उसको दिया जा रहा है, ये तो एक गिफ्ट है, इसलिए उसके ऊपर तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं किसी चीज को चलाने की, इवन इलाज को जिम्मेदारी नहीं। और आप हैरत करेंगे कि औरत पर अपने बच्चे को दूध पिलाने की भी कानूनी जिम्मेदारी नहीं। कमाल है इस्लाम। अगर मान लीजिए कोई औरत इनकार कर दे कि मैं बच्चे को दूध नहीं पिलाऊं, तो इस्लामी कानून के एतबार से उस औरत को मजबूर नहीं किया जा सकता। फिर बाप की जिम्मेदारी होगी कि वो नर्स, कोई नर्स को हायर करे और उस बच्चे को फीड करने का इंतजाम करे। तो औरत को जुल्म नहीं, औरत को तो दोहरे हिस्से दिए गए, बहुत इज्जत दी गई। ये बिल्कुल सिर्फ प्रोपेगेंडा है। हम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से भी कहना चाहते हैं कि एक जमाने में इंडिया का ऐसा प्राइम मिनिस्टर था कि उसने इस्लामी कानून का जब एक बहस छिड़ी मेंटेनेंस की, तो
तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, मुसलमानों ने उसकी मुखालिफत की, तो उस प्राइम मिनिस्टर ने कॉल किया सीनियर मुस्लिम स्कॉलर्स को और कहा आइए आप मुझे समझाइए कि इस्लामी कानून क्या है। जब उन्होंने समझाया और दो तीन मुलाकातों में समझाया तो उस प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि बिल्कुल सही है, मैं मान गया कि इस्लामी कानून ही बेहतर है औरत के लिए। तो हम मौजूदा प्राइम मिनिस्टर से भी, वो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, हम उनसे ये बात डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं रिस्पेक्टफुली कि वो भोपाल में बूथ मैनेजमेंट वालों के सामने वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तकरीर न करें। सब्जी मंडी में जाकर कोई फिजिक्स का फार्मूला बयान करने लगे तो उस शख्स को तो अस्पताल भेजा जाएगा। आप किसके सामने बयान कर रहे हैं? जो आपकी पार्टी के जो बूथ मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं उनको आप यूनिफॉर्म सिविल कोड सिखा रहे हैं। आप हमसे बात कीजिए, हमें बुलाइए, हमें का मतलब मुझे नहीं, उलमा को, मुस्लिम स्कॉलर्स को, उनको बुलाइए, उनसे बात को समझिए। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप बात समझेंगे। मैंने तो यहां तक सुना है आपके पास करीबी लोगों से, यानी प्राइम मिनिस्टर के करीबी लोगों से, कि उन्होंने जब हमारे पर्सनल बोर्ड के साबिक सदर, इनका अभी हाल में इंतकाल हुआ, हजरत मौलाना राले साहब, उनकी किताब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जब उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि मुझे पहली बार ये सब मालूम हो रहा है कि हजरत मोहम्मद साहब की ये तालीमात थी, उनके ये अखलाक थे। तो मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं सियासत के मैदान से हजारों मील दूर रहकर एक एकेडमिक आदमी हूँ और अपने मुल्क भारत की तरक्की चाहता हूँ। इस हवाले से मैं प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूँ कि वो मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ, जो ऑथेंटिक स्कॉलर्स हैं, सरकारी उलमा नहीं, सस्ते डिबेट्स में जाकर लिफाफा लेने वाले नहीं, चप्पल जूते की और थप्पड़ खाने और खिलाने वालों के नहीं, वो ऑथेंटिक संजीदा सीरियस इस्लामिक स्कॉलर्स को बुलाएं और उनसे समझें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और पर्सनल लॉ में क्या फर्क है। मैं समझता हूँ उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी तो मुल्क एक बहुत बड़े क्राइसिस से निकल आए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो नाफिज किया जा रहा है, हिंदुस्तान की आवाम को कितना इफेक्ट करता है और मुसलमानों को इसके लिए क्या बेहतर चीज हो सकती है और मुसलमानों को भी कितना इफेक्ट करेगा ये चीज? देखिए, मुसलमानों को चाहिए कि जो अपनी सही लीडरशिप है, और खास तौर पर आप सोचिए ये मसला सीधा पर्सनल लॉ से मुताल्लिक है, मुसलमानों की अवेयरनेस और मुस्लिम स्कॉलर्स और लीडर्स और उलमा, पर्टिकुलरली उलमा और मुसलमान लॉयर्स, आप उनकी दानिशमंदी, उनकी अकलमंदी, उनकी मैच्योरिटी को देखिए, इस बात से अंदाजा कीजिए कि किसी कम्युनिटी को अपने पर्सनल लॉ की हिफाजत के लिए कोई बोर्ड बनाने की आज तक तौफीक नहीं। मुसलमानों ने 1972 में बोर्ड बनाया क्योंकि उनको महसूस हो गया था कि या ये मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है हमारा, जिसको शरीयत एप्लीकेशन एक्ट कहते हैं, जिसको हमारे दस्तूर ने फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया है, सरकार जो है हमारी ये इसको बदलेगी। और अब जब हिंदुत्व की आलमबरदार सरकार आई तो बदलने की कोशिश में तेजी आ रही, तो जब ये बात सामने आई तो मुसलमानों ने पर्सनल लॉ की हिफाजत के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें तमाम मसलकों, जमातों, तहरीकों, सब बिरादरियों, सबके लोगों, किसी और कम्युनिटी को वोट बनाने की कोई कोशिश नहीं की उन्होंने। अब उनको गलती का एहसास हो रहा है, अब उनके अंदर ये बात चल रही है कि भाई क्रिश्चियंस पर्सनल लॉ वोट बनना चाहिए, सिख पर्सनल लॉ वोट बनना चाहिए, बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ वोट बनना चाहिए। तो हम खुदा का शुक्र है अवेयरनेस के एतबार से बहुत आगे हैं और हम इस बात की कोशिश जारी रखेंगे और अल्टीमेटली हम कामयाब होंगे। आयन दस्तूर की जब आपने बात करी तो बीजेपी का ये कहना है कि आयन में आर्टिकल 44 जो है, और ये चीज समझाने की कोशिश करी जा रही है आम आवाम को कि दस्तूर में आर्टिकल 44 जो है उसके तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आया जा रहा है, कोई नया कानून नहीं बना। यही तो मैं कह रहा हूँ, आम आवाम को समझा रहे हूँ, आलू बेचने वालों के सामने केमिस्ट्री का फार्मूला समझा रहे हैं। जो लोग दस्तूर से वाकिफ हैं उनसे बात करें ना, आर्टिकल 44 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में,
उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये आप जबरदस्ती नाफिज नहीं कर सकते, ये अदालत के फैसले की चीज भी नहीं है। उसी में रहनुमा उसूल है, 50 और भी उसूल इसमें बयान किए गए। तमाम शहरियों को आपको साफ पानी फराहम करना होगा, तमाम शहरियों को सस्ता हेल्थ केयर आपको देना होगा, आपको ऊंच नीच छूत छात को खत्म करना होगा। क्या ऊंच नीच खत्म हो गई? उसके लिए क्या कोशिश की? अब तो ऊंच नीच बढ़ती जा रही है, अब तो आदिवासी के उमू पर पेशाब किया जा रहा है, अब घोड़ी के चढ़ने पर दलित को मारा जा रहा है, अब मूछी का मूछे रखने पर दलित को मारा जा रहा है। हम तो देख रहे हैं ये बढ़ रही है। तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ चले गए? आपको सिर्फ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल याद है जिससे मुसलमानों को छेड़ते हैं आप और हिंदू मुस्लिम मसले खड़ा करके अपने भारत के आवाम को गुमराह करते हैं। मैं किस चैलेंज करता हूं कोई साबित कर दे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल की हैसियत ज्यादा है या फंडामेंटल राइट्स? वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो वो कभी भी काबिल अमल नहीं हो सकता लीगली। हम इस्लाम के खिलाफ है ये बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये नंबर दो की बात है। नंबर एक की बात ये है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, तो जो इसका समर्थन कर रहा है वो संविधान का विरोध कर रहा है। यह है साफ। आरएसएस के जो बहुत बड़े रहनुमा थे गुरु गोलवालकर, उनसे पूछा था डॉक्टर मलकानी ने एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने बहुत साफ लफ्जों में कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मैं सख्त खिलाफ हूँ और लोगों के अपने अपने कानून में कोई भी इंटरफेरेंस मेजोरिटी कम्युनिटी को या सरकार को नहीं करनी चाहिए। तो अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानते तो गुरु गोलवालकर की ही बात मान लें। मैं इस शेर पर इस सवाल के जवाब को ख़त्म करूँगा। अपने मन में डूब कर पाजा सुलागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। देखिए थे मौलाना सज्जाद नुमानी, इन्होंने बेबाकी से यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अपनी पूरी राय रखी। उनका साफ तौर पे कहना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आयन के खिलाफ है, यानी कि जो संविधान की बात करी जा रही है, इनका साफ तौर पे ये कहना कि वो संविधान के ही खिलाफ है, और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नाफिस की बात हो रही है ये हिंदू मुस्लिम और 2024 को लेके जो पार्लियामेंट के जो चुनाव होने हैं उसको लेके जो है अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। अब देखना होगा कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की लड़ाई है वो लगता है कि अब जो आने वाले वक्त में काफी ज्यादा तेज नजर आएगी। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।